दिस इज एन अमेजिंग स्टफ, बहुत रिसर्च करी है. दिस इज 69,990. से हेलो टू एवरीवन. सो ये है हमारे घर के. तो मैं रात को बहुत लेट सोया था और अभी उठाऊँ, अभी सुबह के ऑलमोस्ट 10:30 हो रहे हैं और मेरे को नहीं पता था कि भाई आज जल्दी से कोरियर आ जाएगा. तो ये कोरियर आया है अमेज़ॉन से, मंगवाया मैंने. तो क्या है, फटाफट जल्द से जल्द इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग. और मेरी ड्यूटी भी सुबह सुबह उठ गई है, वरना आमतौर पर लेट उठता है. शोर सुन रहे हैं उसका? तो भाई इससे पहले कमरे में आ जाए तो फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, दिखाते हैं क्या है ये, क्या मंगवाया है. बट पैसे बहुत खर्चे हैं, सीरियसली बताता हूँ. तो ये रही हमारी ड्यूटी. इधर देखो, हेलो करो. अभी इसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, बस खेलने के मूड में. फटाफट कैंची मिल गई है तो भैया चीर हरण करो इसका. और क्या निकला है, वाव, ये है जो मंगवाया मैंने, ओप्पो फाइंड एक्स 2 मोबाइल फ़ोन. एंड दिस इज़ एन अमेजिंग स्टफ, बहुत रिसर्च करी है. मैं आप सबको पता कि वन प्लस यूज़ कर रहा था, तो बस एट द एंड ऑफ द डे वन प्लस से शिफ्ट होके ओप्पो पे आ गया. मेड इन इंडिया. दिस इज 69,990. मेड इन इंडिया, ग्रेटर नोएडा का बना हुआ है. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट करें इसकी अनबॉक्सिंग. लो जी, वाह, इसको करो साइड पे सील, खोल ली जाए. अरे खुल जा भाई, ये देखो ओप्पो ICC. लो जी. एंड आहा, ये देखो, ये लो जी. सबसे पहले तो ये क्या है, आई डोंट नो, कोई लिटरेचर वगैरह है. और ये फ़ोन है, प्रीमियम लुकिंग फ़ोन. इसको ज़रा दिखाते हैं अभी. और क्या है इसके साथ आया डब्बे में, एक आपका चार्जर है, ठीक है, एक आपके ईयरपॉड्स हैं और ये केबल, चार्जिंग केबल है बस. और बाकी मेरे ख्याल शायद वो पिन वगैरह होगी जो इसके साथ आती है. इसके साथ और क्या है इसके अंदर, यस, ये आपका मोबाइल केस, ठीक है, ये रबराइज टाइप मोबाइल केस है. ये आपकी पिन है वो जो सिम कार्ड लगाने वाली. अब यार रुका नहीं जाता, तो सबसे पहले करें फिर इसका. ओए होए यार, वाओ, फर्स्ट लुक ऑफ द फोन, लुक एट द फोन मैन, एंड दिस इज एन अमेजिंग स्टफ. मेरे ख्याल इसकी बैटरी मेरे ख्याल शायद चार्ज नहीं है तो करनी पड़ेगी. स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, इसमें 12GB रैम है, 256GB की मेमोरी है. क्या प्रीमियम लुकिंग फ़ोन है यार, कर्वी यहाँ पे नीचे, वाओ मैन. तो बस अब से फोटोग्राफ्स इस पर होंगी, करते हैं इसकी टाइम सेटिंग वगैरह सारा कुछ चेंज करते हैं बस. सो मेरी डुगडू की आपने हालात तो देख लिए हैं, आपको दिखाए हैं कि भाई काफ़ी दिनों से मैंने चलाई नहीं, ढकी हुई है. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यार आज उसको ना धुलवा लेता हूँ और उसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा करें, तो उसको भी थोड़ा सा चलाएँ क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने वो नहीं चलाई, हमेशा ब्लैक वाली चला रहा हूँ. तो नेक्स्ट शॉट्स आप देखोगे कि जो मेरी हरी वाली डुगडू है उसको धुलवाते हुए, ठीक है. फिर बाकी कंटिन्यू करेंगे आज का दिन कैसे एंड ऑल. सो बाइक धुलेगी शैम्पू से, तो मैं शैम्पू के हमेशा पाउच लेके आता हूँ साथ में अपने. सो डुग धुल गई है, थोड़ा सा पानी निकलने को कर रहे हैं और इसके बाद इसके ऊपर कपड़ा मारेंगे, तो फिर बस चलते हैं घर को. बाइक की वॉशिंग करा के तो मैं आ गया हूँ, ड्यूटी मेरी जाग गई है. तो इससे पहले मेरे को तंग करना शुरू करे, सबसे पहले काम ये करते हैं, इसमें पेट्रोल डलवा के आते हैं अपनी डुगडुग के अंदर. सो काफ़ी अर्से से बाइक चली नहीं हुई है तो पेट्रोल पहले भी कम था, तो पेट्रोल डलवाने चलते हैं एंड उसके बाद फिर वापस आके फिर देखते हैं क्या करना है. हेलो टू एवरीवन. सो ये है हमारे घर के चिराग और मेरी ड्यूटी. हेलो बंद मामा.
सो अगर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो भाई फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही है, क्योंकि जो लोग फॉलो करते हैं उसको उनको सबको पता है कि ये मेरी ड्यूटी कौन है। इसके लिए मेरी पूरी ड्यूटी होती घर पे। तो भाई अब ये आ गया है तो मैं सबसे पहले, मेरे को परेशान करना शुरू कर सबसे पहले, फिर एक काम करता हूँ कि मैं चलता हूँ, इसमें पेट्रोल डालना है और हवा, यस, काफ़ी अर्से से खड़ी है तो भैया टायर प्रेशर चेक कराना बहुत ज़रूरी है। मैंने नहीं सोचा था कि भाई इतने पटाखे मारेगी। तो अभी मैं पेट्रोल डलवा के एक काम करूंगा, आउटर दिल्ली चौहान जी को फ़ोन कर लूँगा कि भाई इसकी सर्विस करवाने मैंने आना है, तो भाई किस टाइम आऊँ तो बहुत ज़रूरी है। एक अरसे के बाद मीन्स आई वुड से मैंने इस डुगडुग को ऑलमोस्ट 7-8 महीने, इससे भी ज़्यादा ही होगा, तब से नहीं चलाया। मतलब लॉकडाउन से पहले चलाई थी मैंने ये बाइक, उसके बाद तो मैंने चलाई ही नहीं। बिल्कुल लाइट जल रही है, इसका मतलब भैया पेट्रोल तो ख़त्म होने वाला ही है। अब भैया चल रहे हैं पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, पावर टैंक फुल। एक बारी हवा डलवा लूँ, पीछे बिल्कुल ही कम, 11 PSI। फिर बाकी जो और काम है घर के वो निपटाएंगे, तो बस ऐसा ही चलता रहेगा आज का दिन। तो वीडियो एडिट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो मेरे को आज रात को अपलोड होना है, तो इससे पहले कि भाई लेट हो जाऊँ फटाफट एडिटिंग ख़त्म करते हैं। फिर मम्मी साथ में बैठी हैं, वो कह रही हैं कि ऐसा है कि भैया आज सब्जी मंडी लगनी है तो सब्जी ज़रूर लेके आनी है। फिर सैटरडे को ये है कि दिवाली है, सब्जी में मिलेगी नहीं, भूख भी लग रही है, ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका है। एंड ये चीज़ है कि मैं वेट कर रहा हूँ अपनी जो खाना बनाने वाली आती है मेड का, भाई आज कुछ ना कुछ तो लंच में, अरे वो आ ही गई है, तो बस बोलते हैं क्या कुछ यार कुछ बना दो खाने के लिए, भूख लगी है। तो बस खाना खाएंगे, बस साथ में एडिट होगा, घर पे लंच बहुत बढ़िया, आलू के पराठे, वाइट मक्खन और दही, एंड बस आज थोड़ा सा दूसरे किस्म की ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैं कहा यार बड़े अरसे बाद करी जाए ऐसी ब्लॉगिंग, मैं जो होती मैं करता नहीं हूँ मैं आमतौर पे, अगर आज मूड गरा करने का तो भाई करी जाए। अल्टीमेट मैन, घर के खाने की बात ही कुछ और है, और घर में अगर ऐसे पराठे बन रहे हों और गरम गरम मक्खन मिल जाए, दही मिल जाए, सबसे पहले खाना खा लूँ उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। जो काम है शाम का दैट इज़ सब्ज़ी मंडी जाके सब्ज़ी लेके आना, तो चलते हैं और फटाफट सब्ज़ी ले आऊँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या काम मम्मी देती हैं वो करेंगे। 3 डुग डुग लाइन से कैसे लग रही हैं, मैं इस वाली पे नहीं जा रहा सब्ज़ी लेने, मैं काली वाली पे जा रहा हूँ, ये सिल्वर वाली शिवम की है, और तीनों अच्छी अगर लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बता दो यार कैसी लग रही हैं एक साथ 3 डुगडुग खड़ी हुई। तो आलू प्याज इधर, ये सब्ज़ी, ये देखो ये सब्ज़ी मंडी का हाल, ये हमारे घर के पास लगती है। तो मम्मी अभी थोड़ी सी झपकी ली है, उन्होंने सो रहे हैं, तो मैं वेट करता हूँ जाग जाएं, फिर पूछते हैं और क्या काम है तो फिर वो भी करना ज़रूरी है। तो ये वाला ब्लॉग जो होगा ये नेक्स्ट वीक ही आएगा, अभी 2-3 दिन और थोड़ा सा काम ज़रूरी है वो करने हैं घर के, तो टाइम नहीं होगा। आई एम सो सॉरी अगर ब्लॉग नहीं आएगा तो। What are you doing? क्या कर रहे हो? ये देखो अब इसने शोर मचाना शुरू कर दिया है, तो भाई इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, मेरे को संभालना पड़ेगा इसको। तो वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड, तो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो कर दो वीडियो को लाइक। नया फ़ोन लिया यार मैंने, इतने पैसे मैंने खर्च दिए भाई, कुंडा कर दिया है अपना। एंड कैसा लगा फ़ोन कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट करके बता देना, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। ये देखो बस बस इसका काम शुरू हो गया, तो मैं क्या बोलूँ। एंड नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लो, नीचे लाल वाला बटन दबा के इंस्टा फॉलो कर लो। तो भाई इस शोर शराबे के बीच में तो वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।